नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुख करेंगे पांच शहर पांच खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी तवांग में हुए भारत और चीन के झड़प की, और इसके बाद होगी यूपी निकाय चुनाव पर। फिर हम आपको हम बिहार विधानसभा के पहले दिन की कार्यवाही के बारे में बताएंगे, और इसके बाद बात होगी अंकिता भंडारी केस की, जिसमें नया अपडेट सामने आया है। और आखिरी में झारखंड में ईडी की कार्यवाही के मामले में अब नए मोड़ के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर भारत और चीन सेना में झड़प के दौरान दोनों पक्षों के कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। घटना 9 दिसंबर की है। सेना के सूत्रों की माने तो इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हुए हैं। वहीं चीनी सेना का भी भारी नुकसान हुआ है। अभी तक किसी के मौत की सूचना नहीं आई है। घायलों का इलाज गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में हो रहा है। सैनिकों में कई के हाथ और पैर टूटने की खबर भी सामने आई है। सेना सूत्रों के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ करीब 600 चीनी सैनिक मौजूद थे, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन चौधरी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, भारतीय सेना और चीनी सैनिक के बीच ये जो झड़प की खबर सामने आई है, इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय सैनिक भी कुछ घायल हुए हैं, क्या कुछ पूरी खबर पर अपडेट है आपके पास? ये देखिए, बिल्कुल योगेश, अरुणाचल प्रदेश के तवांग के सेक्टर में जो भारत और चीन के साथ में जो झड़प हुई है, उसको देखते हुए यहाँ पर जो है तमाम सैनिकों में जो है मारपीट की भी यहाँ पर बताया गया कि इनके साथ मारपीट की गई जिस तरीके से चीन सैनिकों की, उसमें बताया गया कि घायल होने की भी सूचना है कि जिसमें जो है 20 से ज़्यादा जो सैनिक है वो घायल हुए। साथ ही उसी के बाद जो भारत के जो सैनिक है उनके साथ में जो झड़प हुई थी, तो उसमें घुसपैठ जो बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर को जो है झड़प हुई थी, लेकिन उसके बाद में जो है झड़प में कुछ सैनिकों को चोट भी आई थी। साथ ही इससे पहले जो है 15 जून 2020 में लद्दाख के गलवाना घाटी में भी इसी चीज़ को लेकर पहले जो है झड़प हुई थी, उसी में जो है मारपीट भी उनके साथ में की गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है यहाँ पर देखा जाए तो उसी को जो है जो भारत के चीन और भारत सैनिकों और चीन सैनिकों के साथ में जो मारपीट हुई है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। और साथ ही उसी पर जो है यहाँ पर बता दें कि जो 20 जवान उसमें शहीद होने की भी खबर है कि 20 से ज़्यादा जवान जो है सैनिक के जो 20 जवान जो है वो शहीद भी हुए। तो उसी में साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से जो झड़प है वो काफ़ी झड़प यहाँ पर देखने को मिली, और साथ ही भारतीय सैनिकों के साथ में भी इनमें मारपीट की गई, उसमें भी भारत के सैनिक जो है गंभीर रूप से घायल है। उधर चीन की बात की जाए तो चीन के सैनिक भी उसमें गंभीर रूप से घायल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल नितिन, लेकिन इस बीच सियासी दौर भी शुरू हो गया है, सियासी बयानबाजियां भी सामने आने लगी हैं। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चीन और भारत के बीच के जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जो मारपीट की गई है, उनके साथ झड़प हुई है, तो उसमें जो है राजनीतिक गलियारों में काफ़ी तेज़ चर्चाएं हो रही हैं। तमाम यहाँ पर मुद्दा गर्म हो रहा है। जिस तरीके से आज जो है संसद के अंदर भी ये मुद्दा चला था, जिस तरीके से जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी उठाया था कि जिस तरीके से भारत के सैनिकों के साथ हमला किया गया है, चीन के सैनिकों ने हमला किया गया है, तो उसी को देखते हुए यहाँ पर खूब गर्मा गर्मी भी देखने को मिली थी। जाते जिस तरीके से इसमें साफ साफ यही कहा गया कि उन पर जो है भारत के सैनिकों को जो है चोट भी आई है, गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं, कुछ चीन के सैनिक भी उसमें गंभीर रूप से घायल है। तो जिसको देखते हुए यहाँ पर लोकसभा के अंदर भी जो है पूरी तरीके से गर्मा गर्मी देखने को मिली, राजनीति भी इस पर जो है काफ़ी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है कि जिस तरीके से भारत और चीन के बीच में जो झड़प है वो काफ़ी लंबी झड़प बताई जा रही है, क्योंकि 9 दिसंबर को ये झड़प हुई थी, तो इसमें जो पहले इससे जो है 9 दिसंबर को झड़प हुई थी। साथ ही उसके बाद ही आपको बता दें, इससे पहले जो है 15 जून 2020 में जो लद्दाख की गलवानी घाटी में भी दोनों देशों के सैनिकों की हिंसा के बीच में भी झड़प हुई थी। उससे पहले जो है तमाम इसमें जो ऐसी झड़प जो है देखने को मिली थी, 2020 में भी ये झड़प देखने को मिली थी। साथ ही बड़े इसको देखते हुए राजनाथ सिंह जो है इस मामले में पूरी तरीके से सख्ती से कहा गया कि जिस तरीके से भारत के जो सैनिक हैं उनके साथ में जो झड़प हुई है उस पर पूरी तरीके से सख्ती का पालन कराया जाए। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी जो है इस मामले को पूरी तरीके से स्पष्टता से देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी यही कहना कि जिस तरीके से भारत के सैनिकों के साथ में झड़प हुई है, क्योंकि जिस तरह भारत के जो सैनिक जो है बॉर्डरों पर तैनात है, आखिरकार चीन ने जो है आके हमला किया है, तो यहाँ पर पूरे इसको देखते हुए यहाँ पर भारत जो है आपकी बार जो है पूरी तरीके से सख्ती से पाया पेश आ रहा। और भारत ने कहा भी है जिस तरीके से इसमें जो भारत के जो सैनिकों के साथ में मारपीट हुई है, झड़प हुई है, तो उसको देखते हुए अमित शाह ने पूरी तरीके से इस पर जो है जांच के आदेश भी दिए गए कि आखिरकार इसमें जांच होनी चाहिए, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूरे इसके तरीके से जो है रिपोर्ट सौंपने की बात भी कही गई है। जी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है, वर्तमान हालातों का जिक्र करें तो नितिन?
जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से तवांग के जो है एकजुट सरकार पर जो है जिस तरीके से हमला हुआ था उसको देखते हुए भारत के सैनिकों में जो है गर्मा गर्मी झड़प देखने को मिली थी, लेकिन चीन के सैनिकों को भी साफ साफ यही कहा गया कि जिस तरीके से चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों पर हमला किया, झड़प हुई है, तो उसको देखते हुए पूरी तरीके से तनाव जो है अभी पूरी तरीके से जो मिटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसमें तनाव गर्मा गर्मी अभी भी दिख रहा है कि भारत के सैनिकों पर आखिरकार जिस तरीके से चीन ने हमला किया है, हमला को देखते हुए यहाँ पर जो भारत के सैनिक है पूरी तरीके से गर्मा गर्मी के मूड में बैठे हुए। साथ ही उसके साथ ही आज जब राजनाथ सिंह ने मुद्दा लोकसभा के अंदर उठाया था तो उसमें जो साफ साफ यही देखा गया कि राजनाथ सिंह खुद जो राजनीतिक गलियारियों में काफ़ी चर्चाएं बनी हुई है, तमाम यहाँ पर जो है बहसबाजी भी होने के लिए तैयार है, खुद इस पर जो है निशाना साधते हुए तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां वो तमाम निशाना साध रही कि आखिरकार भारत के ऊपर जिस तरीके से चीन ने हमला किया है तो हमले को देखते हुए यहाँ पर तमाम पार्टियाँ जो इस टाइम जो है रोक्रोश है, आक्रोश है, और साथ ही उसी पर जो है यहाँ पर भारत जो चीन के बीच में जो झपड़प हुई है उसको देखते हुए भारत के जो सैनिक है वो पूरी तरीके से आक्रोश में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, इस घटना के बाद चीन के प्रति भारत सरकार का क्या रुख नजर आ रहा है नितिन? जी देखिए बिल्कुल जिस तरीके से भारत पे जो है चीन ने हमला किया तो उसको देखते हुए भी भारत पूरी तरीके से आक्रोश बैठा हुआ, चीन भी पूरी तरीके से कि उसमें कहा जा रहा है कि जो 20 से ज़्यादा जवान जो शहीद हुए हैं वो जिसमें जो है चीन के बताए जा रहे हैं कि आखिरकार जो है इसमें जो रिपोर्ट आई है वहाँ के जो एक न्यूज़पेपर ने छापा है कि 20 से ज़्यादा जो जवान है वो चीन के घायल है, लेकिन भारत के जवानों की बात की जाए तो भारत के जवान भी उसमें घायल बताए जा रहे हैं, और साथ ही उनके साथ में जो मारपीट की गई है उनके जो गुम चोट की भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से चोट लगी है वो काफ़ी चोट जो है भारत के सैनिक को भी लगी और साथ ही उसमें जो चीन के सैनिकों को बराबर चोट लगी, लेकिन चीन के सैनिकों का कहना है कि आखिरकार सबसे ज्यादा जो चोट लगी है वो चीन के सैनिकों को लगी है, भारत के सैनिकों को ये चोट नहीं लगी, लेकिन भारत के सैनिकों को जो चोट है वो सबसे ज्यादा भारत के सैनिकों को भी चोट इसमें लगी, लेकिन मामला दोनों तरफ से गर्मा है और गर्मा गर्मी हो रहा है, लेकिन इसमें जो है कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह भी पूरी तरीके से अब सख्ती से पेश आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत के ऊपर हमला हुआ है और यहाँ गृहमंत्री अमित शाह भी इसको देखते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके भारत के ऊपर हमला हुआ तो इस पर पूरी तरीके से सरकार जो है सख्ती से पेश आएगी और उसमें कहा है कि बदला तो लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज जो भारत और चीन के बीच में झड़प हो रही है इसको जो है कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत के ऊपर हमला हुआ तो हमला को देखते हुए खुद इस पे जो है निंदा से पेश आए हैं, खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जल्दी से जल्दी इसकी जो है कार्रवाई की जाएगी, जिस तरीके से भारत और चीन में जो है आपस का जो विवाद हुआ इसको जो पहले भी विवाद रहता था, लेकिन चीन ने जो है 15 जून 2020 में पहले चीन ने इस पर झड़प किया था, झड़प हुई थी भारत की, और लेकिन उसके बाद में भी जब भी मामला पूरी तरीके से शांति करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद आज फिर दोबारा से जो है 9 दिसंबर को दोबारा से झड़प देखने को मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता जिन्होंने बताया किस तरीके से तवांग में इस तरीके की घटना घटी हुई है और चीन और भारतीय सेना सैनिकों के बीच में झड़प देखने को मिली है। उधर उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों की अधिसूचना पर सोमवार को रोक लगाई और बुधवार यानी 14 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश भी दिया गया। इस रोक को राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। जनहित याचिका पर सुनवाई करने और इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। वहीं इसको लेकर दिल्ली में बीजेपी आलाकमान ने तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मिशन में अब बीजेपी नजर आ रही है। निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक उच्च स्तरीय और महत्वपूर्ण बैठक भी हो रही है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा हमारे साथ लखनऊ से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से अधिसूचना पर रोक लगा दी है, क्या कुछ और जानकारी और अपडेट है आपके पास खबर पर? बिल्कुल, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव होना था, ये जो आरक्षण था ओबीसी का जो आरक्षण था, इस पर जो अधिसूचना आनी थी, इस पर जो है इलाहाबाद की जो बेंच है लखनऊ खंडपीठ, इस पे जो है एक रोक लगा दी गई है। हालांकि रोक आज तक लगाई गई थी, लेकिन आज जब ये फैसला जो दोबारा एक बार फिर जब रिवीजन किया गया है तो कल तक की एक बार फिर रोक लगा दी गई। अब देखने वाली बड़ी बात होगी क्या जो कल जो फैसला आता उसके बाद नगर निकाय चुनाव होगा या एक बार फिर अधिसूचना की तारीख आगे बढ़ाई जाएगी। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना था, क्या कुछ रखा गया और क्या कुछ पक्ष रखने की तैयारी में कल सरकार नजर आ रही है? बिल्कुल, सरकार के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा जो है एक जो पक्ष रखा गया था उसी को लेकर जो है कल की एक डेट और मिली है, कल तक की रोक लगाई गई है। कल क्या जो है पक्ष रखा जाएगा और क्या हाईकोर्ट का फैसला आता उसके बाद ही कुछ जो है तस्वीरें साफ हो पाएंगी योगेश। लेकिन इस बीच दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की बैठक भी जारी है, क्या कुछ इस पर जानकारी है?
बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली में जो है बैठकें हो रही हैं, उसके बाद यहाँ लखनऊ में भी लगातार बैठक जारी है, वो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो बैठक कर रहे हैं, ऐसे में देखने वाली बड़ी बात होगी जो नगर निकाय चुनाव है, किस तरह से नगर निकाय चुनाव होता है और किस तरह से किसको क्या टिकट दिए जाते हैं। जी बिल्कुल, आज लखनऊ में बैठक हो रही थी बीजेपी कार्यालय में, चंदन क्या कुछ बैठक में निकल करके सामने आया है? बिल्कुल, आज जो धर्मपाल सैनी के अध्यक्षता में जो आज एक बड़ी बैठक हुई है, तो उस बैठक में जो संगठन को मजबूत करने की और जो नगर निकाय चुनाव है योगेश, उसको भी जो है कई सक्रिय जो बूथ के अध्यक्ष है उनको भी एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है उनको जिताया जाए, इसको लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया और लगातार ये बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी की 18 दिसंबर तक चलती रहेगी। जी योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चंदन हमारे साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी किस तरीके से नगर निकाय चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय नजर आ रही है, वहीं हाईकोर्ट ने भी इस पर अंतरिम रोक लगा रखी है। और अब रुख करेंगे बिहार का। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र मंगलवार को अध्यक्षीय संबोधन के साथ प्रारंभ हुआ। सत्र के पहले दिन विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 की द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है। और बता दें कि द्वितीय अनुपूरक बजट 19,048.9847 करोड़ की पेश किया गया है। और इसके साथ ही वित्त मंत्री द्वारा सदन में बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया गया है। विधानसभा सदस्यों के बीच दो अन्य विधेयकों का भी वितरण किया गया है। इसमें बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 और बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 प्रमुख हैं। करीब 20,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है और 19,048.98 करोड़ का बजट पेश किया गया है। आपको बता दें कि लगभग 20,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अब बिहार सरकार के शीतकालीन सत्र का आज आगाज हो चुका है और आज बजट भी पेश हुआ है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनी शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। रजनी, पहले दिन ही अनुपूरक बजट पेश किया गया है और यह अनुपूरक बजट लगभग 20,000 करोड़ का पेश हुआ है, किन किन मदों के लिए और किन किन मदों पर विशेष ध्यान रखा गया है इस बजट पर? शिक्षा स्वास्थ्य पे खास तौर पे ध्यान रखा गया है। बताते चलो कि विधानसभा सत्र की आज शुरुआत हो गई है, बहुत छोटा सत्र है ये शीतकालीन सत्र, सिर्फ 5 से 5 बैठकें बुलाई गई और अहम बात यह है कि आज इस शीतकालीन सत्र में पहली बार विपक्ष को भी मौका मिला है। सरकार गठन के बाद 2 दिनों का विधानसभा का सत्र बुलाया गया था लेकिन उस दरमियान विपक्ष अपनी पूरी भूमिका नहीं निभा पाई थी और इस बार इस 5 दिनों तक चलने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष भी जमकर अपनी भूमिका रखेगी, अपनी मांगों को रखेगी। और सबसे खास बात यह है कि आज सत्र शुरू होने के साथ ही काफी धमाकेदार रहा क्योंकि जहां राज्य में विपक्ष राज्य सरकार के खिलाफ मुद्दा बनाए हुए था, राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था, वहीं सरकार के पक्ष के लोग केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दा खोले हुए थे। और सबसे खास बात यह रही कि सत्र के तुरंत बाद ही, आज पहले दिन के सत्र के तुरंत बाद ही महागठबंधन के विधायक दल का विधायक मंडल का की बैठक बुलाई गई और उस बैठक में मुख्यमंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो ये खास बात है क्योंकि एक तरह से औपचारिक ऐलान मुख्यमंत्री ने कर दिया कि अब वो बिहार की जिम्मेदारी पूरी तरह तेजस्वी यादव को सौंपने जा रहे हैं, यानी जो अटकलें लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार का ये अंतिम पारी है, इस ऐलान के बाद ये माना जा रहा है कि वाकई अंतिम पारी और शायद नीतीश कुमार या तो संन्यास ले ले या फिर बिहार की बागडोर तेजस्वी यादव को सौंप दे। और फिर जो कयासी लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हो,
वैसे भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट तौर पे कहा कि लोग कह रहे हैं कि पीएम की रेस में मैं शामिल हूं, लेकिन मैं पीएम की रेस में शामिल नहीं हूं। तो ये तमाम जो उथल पुथल रही आज बिहार में दिन भर, आज पहले दिन सत्र के पहले काफी हंगामेदार रहा, पूरा दिन उथल पुथल रहा। वही दूसरी बता दो, विधानसभा सत्र जब शुरू होती है तो तमाम प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, और इसी प्रदर्शन के तहत एसटीईटी के जो पास अभ्यर्थी थे उन्होंने पटना के डाकबंगला चौराहे को जाम किया, और उसके बाद पुलिस ने जमकर उन पर लाठियां चटकाई। इसके पहले भी 3 महीने पहले उन पर लाठियां चटकाई गई थी। 7वीं बजट में वो अपनी नौकरी चाहते थे, इसको लेकर उन्होंने आज यहाँ पे प्रदर्शन किया था। तो आज पहला दिन जो सदन का था शीतकालीन सत्र का, बहुत छोटा सत्र होता है, लेकिन ये पूरा पूरी तरह से धमाकेदार रहा। जी बिल्कुल रजनी, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आया, वहीं सत्ता पक्ष केंद्र के सरकार को लेकर के तीखा नजर आया है, लेकिन इस दौरान विपक्ष का अगर हम जिक्र करें तो कौन से प्रमुख मुद्दे रहे, क्योंकि आपने बताया कि आज छात्रों का भी धरना प्रदर्शन पटना में देखने को मिला है, ऐसे में वो कौन से प्रमुख मुद्दे रहे जो सदन के अंदर उठाए गए? सबसे बड़ा मुद्दा रहा रोजगार का, क्योंकि सरकार ने यह ऐलान किया था अगस्त में जब सरकार आई थी तो उन्होंने यह ऐलान किया था कि 3 महीने के अंदर वो नौकरी देंगे, 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तो विपक्ष ने सबसे खास तौर पे इस मुद्दे को उठाया कि आखिर सरकार ने जो वादे किए थे वो उन वादों का क्या हुआ, बिहार में जो युवाओं को नौकरी देने की बात करी गई थी उसका क्या हुआ, इस पर जमकर बहस हुई और इस पर जमकर तानाकशी हुई और इसका जवाब मांगा गया विपक्ष के द्वारा। साथ ही साथ मुख्य जो बिहार में पिछले सरकार के साथ जो गठबंधन टूटी थी उस पर भी लेकर जमकर हमला बोला गया, क्योंकि बीजेपी विपक्ष की पूरी तरह से आज विपक्ष की भूमिका में थी। यह विधानसभा था जिसके ग्रीष्मकालीन सत्र में विपक्ष की भूमिका में आरजेडी था, लेकिन आज विपक्ष की भूमिका में बीजेपी थी। तो बीजेपी पूरी तरह से आज हमलावर रही थी और अपना जमकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। रजनी शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से आज विधानसभा सत्र हंगामेदार रहा है और पहले दिन ही अनुपूरक बजट भी पेश हुआ है। उधर उत्तराखंड का रुख करेंगे। अंकिता भंडारी केस में 2.5 महीने बाद भी वीआईपी के नाम का पर्दा नहीं उठ पाया है, ऐसे में पुलिस अब एक कदम आगे बढ़ाते हुए आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। तीनों आरोपियों में से पुलकित और सौरभ ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा है। नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट पर न्यायालय अब 22 दिसंबर को सुनवाई करेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैतुरा देहरादून से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अभय, क्या कुछ अपडेट है, अपना नार्को टेस्ट की बात सामने आई है, वीआईपी का नाम क्या अब नार्को टेस्ट के बाद ये संभावित है कि नाम सामने आ जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड में जिस प्रकार से यहाँ पर हुआ है, जिस प्रकार से जन आक्रोश इस हत्याकांड को लेकर यहाँ पर देखने को मिला था, सरकार और पुलिस दोनों पर इस हत्याकांड के खुलासे का दबाव लगातार यहाँ पर बढ़ता नजर आ रहा था। पुलिस प्रशासन की तरफ से एसआईटी जांच जो इस पूरे मामले पर यहाँ पर की गई है, उस एसआईटी जांच में जो 3 मुख्य आरोपी यहाँ पर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए थे उनके खिलाफ सबूत जुटाने का काम किया गया था, लेकिन लगभग 3 महीने का समय बीत जाने के बाद भी ये कह सकते हैं ना तो एसआईटी अभी तक अपनी फाइनल चार्जशीट दाखिल कर पाई है और ना ही कोई ऐसे ठोस सबूत यहाँ पर जुटा पाई है, जिसके चलते कहा जा सकता हो कि पुलिस ने आरोपियों से उनकी जो हत्या की वजह और पूरे वारदात थी उसके सभी साक्ष्य यहाँ पर जुटा लिए गए हों। और यही वजह रही कि जब लगातार वीआईपी के नाम का खुलासा यहाँ पर चलता रहा, मीडिया की लगातार सुर्खियाँ यहाँ पर उस वीआईपी का खुलासा करने को लेकर यहाँ पर बनती रही, तो पुलिस की तरफ से अब उस सच्चाई को जानने के लिए आखिरकार अब नार्को टेस्ट का यहाँ पर सहारा लेने का काम किया गया। पुलिस की तरफ से शुक्रवार को ही एक याचिका कोर्ट में डाली गई थी जिसमें नार्को टेस्ट के लिए आरोपियों के नार्को टेस्ट की इजाज़त यहाँ पर मांगी गई थी, और जो ये कह सकते हैं कि जो सहमति आरोपियों की तरफ से मिल पाई थी तो उसमें जो मुख्य आरोपी हैं पुलकित आर्य और उनके जो सहयोगी रहे सौरभ, उन दोनों की तरफ से अपनी सहमति यहाँ पर दे दी गई थी, लेकिन जो तीसरे सहयोगी ये कह सकते हैं जो पुलकित के जो दूसरे दोस्त थे अंकित, उनकी तरफ से सहमति नहीं दी गई, बल्कि 10 दिन का समय और यहाँ पर मांगा गया। और यही वो वजह रही कि इस देरी की वजह से समय मांगने के चलते ये कह सकते हैं कि आरोपियों का नार्को टेस्ट नहीं यहाँ पर हो पाया अभी तक। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो पुलिस विभाग के सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि आरोपियों का अब नार्को टेस्ट करने से पहले पुलिस विभाग इन तीनों आरोपियों का एक पॉलीग्राफ टेस्ट यहाँ पर करना चाहती है, ताकि हर उस कड़ी को यहाँ पर मिलाया जा सके
जिससे आरोपियों का इस जो घटनाक्रम यहाँ पर घटा है, जो हत्याकांड अंकिता भंडारी का यहाँ पर हुआ, उसकी पूरी कड़ी दर कड़ी, उसकी जो पूरी सच्चाई वो यहाँ पर जुड़ सके, पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास यहाँ पर कर रहा है। इसके अलावा कोर्ट में जल्द ही SIT अपनी चार्जशीट यहाँ पर दाखिल कर देगी और उसके बाद अगर नार्को टेस्ट के लिए जैसे सुनवाई के लिए अभी समय है और पुलिस उसके उसमें देरी यहाँ पर मानकर चल रही है, तो फिर यह समझा जा सकता है कि जो नार्को टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी उसको एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में आगे पुलिस की तरफ से पेश करने का काम किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर अब भी अगर इस पूरे मामले पर देरी यहाँ पर होती है तो फिर जो CBI जांच का दबाव लगातार पुलिस प्रशासन और सरकार पर बन रहा है उसमें और यहाँ पर आक्रोश जनता के बीच देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, नार्को टेस्ट की बात कही जा रही है अब, लेकिन कई दफ़ा ये भी देखने को मिला है कि नार्को टेस्ट के बावजूद भी आरोपी कहीं ना कहीं झूठ बोलता नजर आया है और उसके बाद अपने आप को सही साबित करने की कोशिश की नार्को टेस्ट में, लेकिन बाद में वो आरोपी सिद्ध हुआ है। कई ऐसे स्टडी केस किए गए हैं और जिसमें ये मामला सामने आया, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि उत्तराखंड में क्या वास्तव में अब VIP का नाम सामने आ पाएगा, नाम उजागर हो पाएगा, ये बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अभय हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे सहयोगी जिन्होंने बताया किस तरीके से अब पुलिस और एक कदम आगे बढ़ाती नजर आ रही है अंकिता भंडारी केस में। उधर झारखंड सरकार अब AD की कार्यवाही को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक बरहरवा कांड में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की पहल की है और इसके साथ ही AD की कार्यवाही लगातार जारी है। AD की गिरफ्त में आए कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल ने भी अपनी जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है जिसकी सुनवाई 14 दिसंबर को होनी है। दूसरी तरफ IAS पूजा सिंघल को एक बार फिर इलाज के लिए जेल से रिम्स ले जाया गया है। अब AD की कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकार की तरफ से कुछ मामलों को लेकर चुनौती देने की बात कही जा रही है। ऐसे में विपक्षी पार्टी BJP ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे रांची से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? सरकार अब ED की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कह रही है। दौरे पे जा रहे हैं तब तक सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके केंद्रीय जांच एजेंसियों के और साथ साथ BJP के नेताओं की तैयारी की जा रही है। और जिस तरीके से अभी की बात की है तो बरहड़वा कांड का जो मामला आया था और उस इलाके में जिस तरीके से मामले दर्ज किए गए तो उसकी जाँच ED की तरफ से की जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही जाती है और जो हमारी बातचीत हो रही है उसमें कुछ और मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से। झारखंड में स्थिति क्या वास्तव में अब ED वर्सेस सरकार नजर आने लगी है क्या? देखिए, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है खास करके जिस तरीके से अवैध माइनिंग को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं ED की तरफ से और साथ साथ कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, तो इन दोनों मामले जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उसमें बड़ी संख्या में एविडेंस मिले हैं, कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ बयान आए हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनसे जो पूछताछ के क्रम में जो जानकारियां मिली हैं उसके आधार पे ED की टीम काम कर रही है। फोन कॉल के डिटेल्स खंगाले गए हैं और उसके साथ साथ बड़ी मात्रा में खास करके नगद राशि की भी बरामद की हुई है, तो कुल मिलाकर कई चीजें एक साथ चल रही है और ED की टीम जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है उसमें कई बड़े नाम सामने आते जा रहे हैं और इसको लेकर ही लगता है कि कहीं ना कहीं जो बातें आ रही है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए कि ED की टीम जाँच जो कर रही है वो किसी तरीके से नहीं कर पा रही है, लेकिन ED के सूत्रों से हवाले से जो जानकारी मिली है उनके पास पूरी सबूत है और उसकी चार्जशीट के रूप में जो तस्वीर किया है पहले भी किया है उसकी जो चित्र करते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में जो साक्ष्य होंगे उसके आधार से ED काम। इस बीच एक खबर और सामने आई है राकेश की, दरअसल पूजा सिंघल को एक बार फिर से रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, जमानत की अर्जी उन्होंने दी थी और कहा गया था कि उनको जमानत मिलना चाहिए और इसको लेकर लगातार वे अपनी अर्जी दे रही थी। सुनवाई के बाद तय किया गया है कि 2 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी, तो इसके बाद से कल देर शाम की बात की जाए तो उनकी तबियत अचानक से खराब होती नजर आई और उसके बाद से आनंद थाना में उन्हें रिम्स लाया गया जहाँ उन्हें फिर एक बार वहाँ के कॉटेज में भर्ती कराया गया है और हो सकता है कि जानकारी थोड़ी देर में आएगी कि उनकी स्थिति क्या है और किस तरीके की बीमारी है, उसके बाद आगे क्या कदम होगा ये भी थोड़ी देर में पता चल पाएगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए राकेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से झारखंड में लगातार स्थिति जो है अब ED वर्सेस सरकार बनती नजर आ
आ रही है। दरअसल सरकार ने अब यह तय कर लिया है, ठान लिया है कि ईडी की कार्यवाही के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। और सरकार का यह मानना है कि दरअसल जो ईडी की कार्यवाही चल रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या केंद्र के इशारे पर चल रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार में बैठे लोगों की तरफ से। पांच शहर पांच खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।